हाय दोस्तों, आज बात करते हैं सर्कस फिल्म की जो डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी और जो रिलीज़ होने वाली है 23 दिसंबर 2022 को। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है, जंगल नाम की एक सर्कस कंपनी होती है और वो बंद होने के कगार पे होती है और वो सभी उस सर्कस को बचाने की कोशिश में रहते हैं। तो ये एक कॉमेडी फिल्म है, इसमें रणवीर सिंह का डबल रोल प्ले हो रहा है और ये स्टोरी दोनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं और एक्सीडेंटली जन्म के वक्त एक दूसरे से वो अलग हो जाते हैं। दिस फिल्म सर्कस इज बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर क्लासिक प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर। इस फिल्म में काम कर रहे हैं पूजा हेगड़े, रणवीर सिंह, वरुण शर्मा, जैकलिन फर्नांडिस, मुरली शर्मा, संजय मिश्रा, अश्विनी कलसेकर, सुलभा आर्या, जॉनी लीवर और अनिल चरणजीत। ये फिल्म एक ज़बरदस्त कॉमेडी फिल्म होने वाली है। रोहित शेट्टी जो बना रहे हैं इसे, रोहित शेट्टी एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं और उनके फिल्मों में सेंस ऑफ ह्यूमर और डायरेक्शन बहुत ही अच्छा होता है। अब उन्हें कॉमेडी और एक्शन के एक्सपर्ट मान सकते हैं। उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस टच करती है। रोहित शेट्टी की फिल्में ऐसी होती है जिन्हें एक्शन फिल्म पसंद हो या साईफाई फिल्म पसंद हो, वो रोहित शेट्टी की फिल्में देखता ही है और बहुत ही जल्द इसका ट्रेलर भी आ जाएगा। मुझे तो लगता है ये फिल्म देखने लायक ज़रूर होगी। और इस फिल्म के डायरेक्टर है, आपको तो पता है, रोहित शेट्टी, और प्रोड्यूसर है रिलायंस एंटरटेनमेंट, भूषण कुमार, रोहित शेट्टी, कृष्णन कुमार, और सिनेमेटोग्राफर है जोमोन टी जॉन, एडिटेड बाय बंटी नागी, और म्यूजिक दिया है देवीश्री प्रसाद ने, और प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रिलायंस एंटरटेनमेंट, और फिल्म का बजट 80 करोड़ बताया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में, कमेंट ज़रूर कीजिए। सोच समझ के कमेंट कीजिए, क्योंकि ये रोहित शेट्टी की फिल्म है और उनकी फिल्म हर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस टच करती है, क्योंकि उनका डायरेक्शन ही उतना बेहतरीन होता है। तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ़।